संचार और अध्याय 21 श्लोक संख्या 42 प्रभु महाराज द्वारा ब्राह्मण और वैष्णव को गुणगान किया जा रहा है। कल हमने समझा था कि किस तरीके से वैष्णव के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए और किस तरीके से भगवान की ख्याति भी वैष्णव की सेवा करने की वजह से है ऐसा कुछ बताया जा रहा है और वैष्णव को प्रसन्न करना वैष्णव सेवा करके वैष्णव को प्रसन्न करना माने भगवान को सीधे डायरेक्ट प्रसन्न करने जैसा है और यहाँ तक कि ये भी बताएगा कि जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो हमको बड़ी संतुष्टि मिलती है और हम भौतिक बंधन छूट सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वैष्णव को भोजन प्रसाद कराना क्योंकि भगवान यज्ञ में दी गई आहुति से उतना जितना भी वैष्णवों को मुख में दिया हुआ प्रसाद से खुश होते हैं। भगवान वैष्णव को जो बताया जा सकता है वो भगवान सीधे ग्रहण करते हैं। ठीक है ओके तो आगे हम देखेंगे 42 श्लोक ओके यद ब्रह्म तेजम सनातन श्रद्धा तपो मंगल मान संयम समाधि प्रतिहार दृष्टये यत्रे नमादर्शी असते यत् जो ब्रह्म ब्राह्मण संस्कृति शास्त्र सनातनम अनादि श्रद्धा श्रद्धा तपा तपस्या पूर्ण मनोयोग से विप्रति प्रकाशित करता है जैसे क्या अर्थ वेदों का संयोजन दृष्टि प्राप्त यह सब आदर्श दर्पण अवभासते प्रकट होता है। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शास्त्र रूप से बनाए रखा जाता है क्योंकि वेदों के आदेशों की श्रद्धा तप शास्त्रीय निर्णय स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उस तरह से विकासमान होता है जिस प्रकार होता है okay. तो वैष्णव लोग या ब्राह्मण लोग हमेशा जो है शास्त्र में बताए हुए नियमों के हिसाब से चलते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया था कि एक जीवित ब्राह्मण को जलाना अग्नि में औषधियां डालने से अधिक प्रभावकारी है। अब इस श्लोक में यहाँ पे स्पष्ट वर्णन है कि ब्राह्मणत्व क्या है। तो अभी तक हमने सुना ब्राह्मण की सेवा करो वैष्णव ब्राह्मण है कौन तो यहाँ बताया जा रहा है कि ब्राह्मण कौन है। तो इस कलयुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण भोजन कराना यज्ञ कराने से श्रेष्ठ है और इस तरह ऐसे लोग ब्राह्मण कार्य कराने लगे हैं जो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए ब्राह्मण के एक गुण नहीं। भाई ब्राह्मण को भोजन कराने से कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं बात सही है लेकिन क्या तुम वैष्णव क्या ब्राह्मण हो क्या क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये बात को पकड़ के कि ब्राह्मण को खिलाओ और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे इस बात को पकड़ के हर आदमी कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ तुझे खिलाओ फ्री में तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्राह्मण के घर में पैदा होने से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं बनता आदमी ठीक है तो उसको ये गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए कि मैं तो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें ब्राह्मण के गुण भी होने चाहिए। ब्राह्मण गुण नहीं है तो कोई ब्राह्मण नहीं ठीक है। ऐसे व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों में अंतर करने के उद्देश्य से ये नकली ब्राह्मण और असली ब्राह्मण में अंतर कैसे समझे तो ये अंतर समझने के लिए ही महाराज ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति का यथार्थ वर्णन ब्राह्मण का गुणगान कर दिए लेकिन अब कोई भी आ जाएगा कहेगा मैं तो ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण संस्कृति क्या है उसका भी वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को प्रकाश ही नहीं हाथी बनकर अपनी सिद्धि का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को वेदों के निर्णय जानकारी होनी चाहिए वेदों का ज्ञान होना चाहिए जैसे भगवत गीता में कहा गया वेदों का निर्णय क्या है वेदैश्च सर्वमेव विद्या वेदिक निर्णय या वेदांत का ज्ञान क्या है कृष्ण ज्ञान कृष्ण को जानना ही समस्त वेदों का सार और जो इसको नहीं जानता उसको वेद का ज्ञान नहीं है शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकार। तो ये तथ्य अब पता चला कई लोग अपने आप को पता नहीं किसका पुजारी मानते ब्राह्मण मानते ये मानते कृष्ण का तत्व नहीं जानता तो ब्राह्मण। ये तथ्य है कि जिस रूप में श्री कृष्ण है जान लेने ब्राह्मण हो जाता है जैसा कि भगवद गीता में लिखे थे जन्म कर्म चुके हैं जिनके
कृष्ण तत्व को जानना, कृष्ण के जन्म और कर्म तत्व के द्वारा समझना, तभी ब्राह्मण, बिना उसके ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो जो ब्राह्मण श्री कृष्ण का जान लेता है वह सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। इसकी पुष्टि उपगीता में भी इमाम चायो अभिविचारेण भक्ति स्थिरते सा गुणान संकीर्तितान ब्रह्मभूयाय कृते। वो व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर हो जाता है जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्तियों के परायण है, मेरी भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और किसी भी स्थिति में उससे हटते नहीं, चाहे कुछ हो जाए भक्ति करने से नीचे नहीं आते, हमेशा भक्ति करते। वो व्यक्ति अविनम माया को उल्लंघन करके ब्रह्म भूत होता है। वो एक माया के तीन गुणों से ऊपर आ जाता है अगर भगवान की सेवा कर रहा है बिना किसी रुकावट के। इसलिए भगवान कृष्ण का भक्त वास्तव में पूर्ण ब्राह्मण है, उसकी स्थिति दिव्य होती है क्योंकि वह पद्म जीवन के चारों दोषों से मुक्त होता है। कौन कौन से चार दोष है? त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, धोखा देना वाला। तो पूर्ण वैष्णव, ये चार दोष पहले बताए जा चुके थे। पूर्ण वैष्णव या कृष्ण भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण तथा उसके बोलता है। चूंकि वैष्णव लोग श्री कृष्ण के ही स्वर में बोलते, जो कुछ भी कहते हैं वह चारों दोष से रहित है। क्योंकि वैष्णव लोग तो वही बोलते हैं कृष्ण ने बुलाया, तो उसकी गलती है। तो उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए उनका चिंतन करें, उन्हीं का भक्त बने, उन्हीं पर नमस्कार करें, उनकी पूजा करें और अंत में उन्हीं की शरण में जाए। मनमना हो मत भक्त मध्याजी नमस्कुर सर्व धर्मान प्रत्यय जमामि गुणम प्रति। ठीक है, तो ये भक्ति कर्म देते हैं तथा चारों दोषों से रहित हैं। भक्ति में कोई कमी नहीं होती, त्रुटि नहीं आती। इसलिए जो भगवान है, जो भी भगवान कृष्ण का एकनिष्ठ भक्त है और इस संप्रदाय का प्रचार श्री आदेश के ही अंतर करता है, विरजम होता है। अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव के निर्णय पर या भगवान द्वारा दी गई वेदिक ज्ञान पर निर्भर करता है। वेदिक ज्ञान हो उस पर निर्भर करता है कि असली ब्राह्मण या असली वैष्णव कौन है। केवल वेदिक ज्ञान से परंतु की समझ सकते हैं। जो श्रीमद् भागवत के अंतर तीन रूपों में प्रकट होता है, निर्गुण ब्रह्म, त्रयादि परमात्मा, भगवान। भगवान को कैसे समझ सकते हैं? निर्गुण ब्रह्म के रूप में और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। तो ये ज्ञान सनातन काल से संपूर्ण माना जा रहा है और ब्राह्मण या वैष्णव इसी सिद्धांत पर आश्रित रही है। तथा मनुष्य चाहिए कि वेदों का अध्ययन ज्ञान के लिए करे, बल्कि इस ज्ञान तथा कार्यकलाप को भगवान तथा वेदों की लिए करे। तो हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं लेना है बल्कि इस ज्ञान को फैलाना भी है, दूसरों को भी ज्ञान बताना है। इस श्लोक का मंगल सूत्र श्री श्रीधर स्वामी ने उत्तर दिया है, जो उत्तम है उसे करना और जो उत्तम ना हो उसका त्याग करना मंगल या शुभ है। उत्तम कार्य करने का अर्थ है जो कुछ भी भक्ति के अनुकूलों से स्वीकार करना, उसके त्यागने का अर्थ भक्ति के अनुकूलों से अस्वीकार करना। तो यहाँ पे उत्तम और बेकार, अनुत्तम है ना, इसकी परिभाषा दी गई है। सही क्या है और गलत? सही वो है जो भक्ति में आगे ले जाता है कृष्ण की, और गलत वो है जो कृष्ण भक्ति से दूर ले जाता है। सीधी बात। अब जैसे प्रहलाद के लिए क्या सही था क्या गलत? जनरली लोग कहते हैं अपने पिता की बात माननी चाहिए। अब प्रहलाद का पिता तो भक्ति दूर ले जा रहा था, तो उसने पिता की बात नहीं मानी। सही क्या गलत? सही। तो यहाँ पे पिता की बात ना मानना सही है, क्योंकि वो भक्ति से दूर ले जा रहा है। बलि महाराज ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, क्यों? जो भक्ति कृष्ण से दूर ले जा रहा था। जबकि साधारण केस में क्या है, लोग कहेंगे गुरु की बात नहीं मान रहा है, गलत बात है, गुरु की बात माननी चाहिए। माननी तब चाहिए जब कृष्ण की तरफ ले जाने वाली, कृष्ण के दूर ले जाने वाली बलि महाराज ने नहीं मानी। वृंदावन में कुछ ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों की बात नहीं मानी, क्यों? वो कृष्ण से दूर लेते जा रहे थे, उन्होंने उनको त्याग कर और कृष्ण को नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से बहुत सारे केस हैं
आपने कुछ समय पहले सुना, राजा वेण का त्याग कर दिया प्रजा ने, क्यों? कृष्ण रूप ले जाए, तो सही वो है जो कृष्ण की तरफ ले जाए, गलत वो है जो कृष्ण से दूर ले जाए। ठीक है, तो आप अपना जनरल आइडिया छोड़ देना चाहिए सही गलत का, ये सही है, माता पिता की आज्ञा मानना सही है, पति की सेवा करना सही है, राष्ट्र की सेवा करना सही है, कब सही है? हमेशा सही है क्या? अभिरण्यकश्यप कह रहा तुम विष्णु को भूल जाओ, सही है, पिता की आज्ञा माननी चाहिए ना, सही है जी, नहीं गलत है, समझो बुद्धि का आयत लिए दीप भगवान। ठीक है, तो जो कृष्ण से दूर ले जाए वो गलत है, जो कृष्ण के पास ले जाए कुछ भी है, सीधी सीधी परिभाषा है, अनुकूल और प्रतिकूल, तो जो अनुकूल है यानी कृष्ण के पास ले जाए वो चीज एक्सेप्ट करना अनुकूल है, जो प्रतिकूल है यानी कृष्ण दूर ले जा रही वो रहना। ठीक है, इसलिए वो नहीं है, कई लोग कहते हैं कि आप दूध पीते हो वो भी तो गाय से आता है, गलत है ना, आप घास पेड़ सब्जियां खाते हो तो जान है, हमें तो मतलब ही नहीं जान का है, जान का है हमको तो मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब है कृष्ण को क्या अच्छा लगता है हमको काम करते हैं, कृष्ण का पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम बस खा रहे हैं, भगवान भोग लगाते हैं प्रसाद पाते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से हमको मतलब नहीं है, सही गलत से हमको मतलब नहीं है। कृष्ण ने कह दिया होता पत्रम पुष्पम फलम तोयम चिकन ही हमें भक्ति अपरिचित, हम चिकन खाने के लिए सबसे पहले केएफसी लाइन पर खड़े हो जाते थे, लेकिन अब भगवान ने नहीं कहा चिकन तो हम गाय को खाएंगे भैया, भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस इतनी चीजों से बना बना के हम खा रहे हैं, खुश हैं, भगवान जो कहें वो हम करेंगे बस, हमें सही गलत से मतलब नहीं, भगवान ने इसका मार दो मार दिया वही सही है, सही गलत मत देखो यहाँ, भगवान क्या कह रहे वो देखो, तो भगवान कृपा मिलेगी, सही गलत के चक्कर में पड़ोगे तो कारण के जैसे मारो। ठीक है, जो सही गलत की ये सही है वो सही गलत कुछ नहीं होता है, धर्म वो है जो भगवान कहे, धर्म में साक्षात भगवत प्रणी श्लोक देखिए शास्त्र में हर चीज का। ठीक है, अपने मन से दिमाग की दिमाग से सोच के हम करेंगे हम फंस जाएंगे, माया बहुत शक्तिशाली, सही गलत कुछ नहीं होता, कई लोग सही गलत के चक्कर में भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, अरे प्रभु जी ऐसा तो कहेंगे तो गलत हो जाएगा ना, काय गलत हो जाएगा, कृष्ण कह रहे हैं, कह रहे हैं कर दो भाई, अरे प्रभु जी अपने चाचा ताऊ भाई भतीजे को मारेंगे तो गलत बात है ना, काहे को गलत बात है भैया, कृष्ण कह रहे हैं मार दो बात खत्म हो गई, किसके पास सही करके किसको दिखाने जा रहे हो, भगवान ही आपसे नाराज बैठे, आप किसको जाकर सही दिखा के दिखाओगे कि हमने बहुत सही काम, किसको दिखाओगे, भगवान ही आपसे नाराज, ये तो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, अर्जुन को नहीं बल्कि अर्जुन के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करेंगे, चक्कर में मत पड़ो, कई आदमी कहते हैं अब भैया हमारी मम्मी मना करती तो माला करना बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया मम्मी बचा लेंगी तुमको मरने से, जब यमराज आएंगे तब कह देना कि यमराज मम्मी ने कहा था कि माला मत करो तो इसलिए हमने नहीं करी, तो यमराज मान जाएंगे, ऐसा होता होगा तो बढ़िया रहता है ना, ऐसा नहीं होगा, माला जो करेगा वही बचेगा, वहां बहाने नहीं चलेंगे, समझ में आ रहा है, ए बहाना मार दिया ये बहुत तो बहाना मारते हैं, सही है गलत है, सही रहेगा क्या, क्या सही है क्या गलत है, कृष्ण के लिए करो, गोपियों ने सब छोड़ दिया तो सही क्या गलत, कृष्ण प्रसन्न है सही है, बात करते हैं नारे, सही गलत कुछ नहीं होता है, जो भगवान कहे वो सही है, भगवान नहीं कहे वो गलत है, तो बात खत्म, भगवान ने कहा मार दो अर्जुन ने मार दिया, ठीक है, भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो तेरे प्रिय सखाओ, ठीक है, दुर्योधन को नहीं कहा, अर्जुन को कहा, ठीक है, तो जो चीजें भक्ति के प्रतिकूल हैं, भक्ति से कृष्ण से दूर ले जाती हैं, उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, चीजों को छोड़ देना चाहिए, इसलिए हम अपने कृष्ण में इस कौन में इस सिद्धांत करके चार बातों को हम लोग मना करते हैं, चार बातें जो करेगा वो कृष्ण उसको मिल ही नहीं सकते, वो ब्रह्म में ही रहेगा, चार चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी है, सबसे बड़ा पाप, चार महापाप, पहला है अवैध विषयी जीवन, ठीक है, अवैध विषयी जीवन माने शादी नहीं हुई फिर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के आराम घूम रहे हैं,
नरक में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है, कृष्ण नहीं मिलेंगे उसको, और शादी हो गई है फिर भी कई और दूसरी औरतों से दूसरे आदमी से संबंध है, इसे कहते हैं अवैध संबंध, ये मना है भक्ति में, बिल्कुल इसको बंद करना है। आप शादी हो गई है तो अपना पत्नी अपने पति के साथ ही रहिए, बस ज्यादा यहाँ वहां घूमिए फिरिए। दूसरा नशा, नशा करना भक्ति के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो नशा करेगा उसको कृष्ण भक्ति समझे ही नहीं आएगी, माला कर ही नहीं पाएगा, थोड़ी बहुत करेगा तो छोड़ देगा, नशा जो करेगा वो कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। अब कई लोग कहते हैं भाई हम दारू नहीं पीते, हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नशा नहीं है, नशा तो छोटा है, तो नशा यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि आपको यहाँ वो नहीं चल रहा है कि अगर जब 95 ऊपर जाए तभी फीवर है मतलब छोटा करो तो नशा नहीं, बड़ा करो तो नशा, ऐसा नहीं हो रहा है। नशा माने नशा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसीलिए कृष्ण भक्त जो है वो चाय भी नहीं पिएगा, क्योंकि चाय में भी नशा है, थोड़ा सा है पर है, तो कॉफी में भी नशा है, यहाँ तक कि वो चॉकलेट आती है ना जो डेयरी मिल्क जैसी से तो चाट चाट के खाती है वो लड़की टीवी में, उसमें भी नशा है, उसको जैसे चाट चाट के खाएगा वो चट जाएगा माया के द्वारा, अब कृष्ण नहीं उसको मिलने वाले, एक चॉकलेट के चक्कर में कृष्ण को छोड़ रहे हैं, बताओ इतने बड़े मूर्ख, उनको नहीं पता कि इस चॉकलेट को छोड़ेंगे तो जो भगवान कृष्ण जो चॉकलेट देंगे कितनी टेस्टी होगी, वो आध्यात्मिक जगत की चॉकलेट खानी है तो भौतिक जगत की चॉकलेट छोड़नी पड़ेगी, ये है सिद्धांत, क्योंकि भैया उसमें नशा है, उसमें नशा है, बिना नशा वाली खा लो कोई बात नहीं, उसमें लिखा रहता है देखो कोकोआ, कोकोआ करके लिखा रहता है, वो नशे वाली चीज है, वो नहीं है तो आप खा लो, है तो मत खाओ, चाहे वो हॉर्लिक्स हो चाहे कुछ हो चाहे कोई सा भी हो, नशा तो नशा, फिर वो छोटा बड़ा बोले वो दारू पीते हैं बेकार है, हम चाय पीते हैं सही है, क्यों बड़ा, आप भी नशा कर रहे हो, वो भी नशा कर रहे हैं, 5 रुपए चुराया 1 लाख रुपए चुराया, चोरी तो चोरी है ऐसे कई लोग कहते हत्या आगे आ रहा है ना, नशा समझ में आया। फिर अगला है मांसाहार करना, हत्या करना मतलब अपनी इंद्रिय भोग के लिए दूसरे की हत्या करना, तो कई लोग कहते हैं हम हाथी थोड़ी मार रहे हैं तो चिकन मार रहे हैं, तो हाथी को मारोगे तो उसको दर्द होगा, चिकन को मारोगे तो दर्द नहीं है कि नहीं, इंसान को मारोगे तो उसको दर्द होता है, चिकन को मारोगे दर्द नहीं होगा ना, अभी हाथी हाथी बहुत हो रहा था, एक हाथी मर गया तो बहुत लोग परेशान हो रहे थे हैं, लेकिन जितने परेशान हो रहे थे सब नॉनवेज खाते थे भले, तो हाथी को थोड़ा हुआ तो इमोशनल हो गए, टीवी में आ गया, फेसबुक पे आ गया, व्हाट्सएप स्टेटस पे आ गया, सब जगह आ गया है ना, और वो अपनी प्लेट में रखे हुए चिकन में इमोशन नहीं आ रहे, KFC में जाके बकेट की बकेट खा रहे हैं, उसमें जान नहीं है क्या, तो उसको अच्छा लगता है चिकन आके कह रहा है आपको मारो है? ऐसा कहता है क्या, देखो उसको भी तो दर्द होता है, वो भी तो मांसाहार तो मांसाहार, हत्या तो हत्या, चाहे छोटे से जीव को मारो चाहे बड़े को मारो, हत्या तो हत्या, ऐसा नहीं कह सकते कि भैया हमने तो छोटा सा नशा किया था सिर्फ चाय का या सिर्फ सिगरेट का, हमने बड़ा कोकीन थोड़ी ले ली, नशा नशा तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब कोई कहे हमने कोई 18 साल की लड़की को थोड़ी छेड़ा था, हमने तो 5 साल की लड़की को छेड़ा था, छेड़ा तो पिटाई तो दोनों में होगी है ना, तो ऐसे ही है हमारा आज के लिए, तो ये ना सोचे कि भैया हम तो सिर्फ चाय पीते हैं तो बचे हैं, ये 4 आइटम में से जो कर रहा है वो भक्ति नहीं, आगे नहीं बढ़ सकता, अगर थोड़ा वक्त कर रहा है तो फिर वो ऊपर ही ऊपर से अंदर कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि 4 चीजें पहला गेट है और चौथा है जुआ खेल, क्यूट क्रीडा करना, क्यूटम पानम स्त्री अस्तु है, 4 चीजें हैं, क्यूट क्रीडा माने जुआ खेल, जुआ खेलने का मतलब जैसे आजकल तो शर्त लगाते हैं, फिक्सिंग करते हैं मैच फिक्सिंग, बैटिंग वगैरह कौन सी टीम जीतेगी है ना, शेयर मार्केट में कई लोग लगाते हैं कि कम जुआ खेलने का मतलब कम मेहनत में ज्यादा पाने की आशा करना,
जो एक रिस्क वाला होता है ना, शेयर मार्केट बहुत अप डाउन होता है, वो भी अच्छा नहीं है भक्ति के लिए। ये चार चीजें नहीं करनी है, अवैध संबंध नहीं रखना, ठीक है। अवैध संबंध माने शादी नहीं हुई है तो किसी भी दूसरी लड़की लड़के से, लड़के का लड़के से, लड़की का लड़के से आजकल ये भी बताना पड़ता है, चलो एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ता है, पहले लोग समझ जाते थे, अभी तो हर तरह के कॉम्बिनेशन में लोग कर रहे हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, सब मना है, शादी नहीं हुई है तो मना है, शादी हो गई है तो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से, ठीक है। और वही है, गवर्नमेंट कुछ भी अलाउ करे, शास्त्र में अलाउ नहीं किया है, तो वैसे तो शास्त्र में डायवोर्स भी नहीं है, एक बार शादी होगी बस उसको चलाना है जिंदगी, यानी कि अभी बदल रहे हैं रोज रोज नया नया, ना बोले हमारी तो तीसरी शादी है, बोले हमारी चौथी शादी है ना। एक व्यक्ति बता रहा था कि जिसकी थर्ड शादी हुई है, बोले थर्ड शादी की एक लड़की से, एक आदमी ने तीसरी बार शादी करी, तो जिस लड़की से शादी करी वो लड़की बता रही थी कि जब इनकी पहली शादी हुई थी तो मैं इतनी छोटी सी थी, उसमें आई थी खाना खाने बुफे में, तो ये चल रहा है आजकल, तो ये सब मना है शास्त्र में, ठीक है। तो अवैध संबंध मना है, नशा चाय कॉफी कोकोवा सब मना, और जुआ खेलना सब मना, मांस मछली अंडा सब मना, ठीक है। चार चीजें मना है, एक चीज करनी है हर दिन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे रे, इस महामंत्र का 108 बार, यानी कि 108 बार जप किया मैंने, एक माला ऐसे करके 16 माला करना, ठीक है। 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में लगते हैं, ये हमारे इस मंत्र का सिस्टम है। तो इस प्रकार मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकता है। अब ये है ब्राह्मण के बेसिक नियम, ये है ब्राह्मण जो इतना कर रहा है, वो जो जन्म लेके पैदा हो गया ब्राह्मण घर में वो नहीं है, हमारे साथ एक था वो कहता था हम ब्राह्मण है, और खूब मुर्गा खाता था, चिकन खाता था, बिरयानी खाता था, दारू पीता था, तो उससे हम लोगों ने कहा यार आप तुम तो यार पंडित हो, तुम भी मुर्गा चिकन खाते हो, तो कहता था यार ये चिकन में इतना अच्छा टेस्ट है तो ब्राह्मण लोगों को इससे क्यों वंचित किया जा रहा है, हम लोग भी इसका आनंद उठाए, वो ऐसी फिलोसफी लेके आया था, तो खूब खाता था। तो ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं है, भले जन्म का ब्राह्मण घर में हुआ, ठीक है। यदि कोई भक्ति के नियमों को कठिना बड़ी दृढ़ता से पालन करते हुए 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र जप करता रहेगा तो वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएगा और भगवान के साक्षात दर्शन करेगा, ठीक है। उसको ही साक्षात दर्शन करने की नियुक्ति होती है जो इन नियमों का पालन करेगा, ऐसे नहीं कि बस बस हो गया, ठीक है। और बोले वृंदावन गए, राधे राधे चिल्लाया, नाच लिए, बाहर आ मंदिर में आके चाय पी, ऐसा नहीं चलता है, नियम तो नियम है सबके लिए, ठीक है। भाई लोग कहते हैं अरे तो बच्चा है, बच्चा है तो क्या उसके ऊपर नहीं चल रहा है, बच्चा है बच्चा करके तो उसके कर्म माता पिता को मिलेंगे, जिनके बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं है ना। कई लोग कहते प्रभु जी बच्चा है उसको कैसे मना करें चाहे के लिए, हम लोग तो कंट्रोल कर, बच्चा है तो उसके कर्म आप ले लो, तो नशा करेगा आपको उसके कर्म मिलेंगे, ठीक है। तो चूंकि वैदिक ज्ञान के अध्ययन करने जानने का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, वेदों का एकमात्र उद्देश्य है श्री कृष्ण की भक्ति, बस और कुछ नहीं है श्री कृष्ण की भक्ति करना, इसलिए एक बात से ही ऊपर बताई हुई का वैदिक नियमों का पालन करेगा वही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप का स्पष्ट रूप से देख सकता है, जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण देखा जा सकता है। तो जो व्यक्ति इन सब नियमों का अच्छे से पालन करेगा तो जैसे हम साफ मिरर में दर्पण में आईना में अपने आप का चेहरा देखते हैं, ऐसे हम कृष्ण को देख सकते हैं फेस टू फेस, वेरी क्लियर। इसलिए यहाँ पे एक निष्कर्ष क्या निकला कि कोई ब्राह्मण, ध्यान से सुनिए, कोई ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं होता कि इसलिए वो ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वह जीवात्मा है या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं बन जाएगा, ठीक है। बल्कि उसमें शास्त्रों में बताए हुए सारे गुण होने चाहिए और अपने जीवन में ब्राह्मण नियमों का अभ्यास पालन करना चाहिए, गुण और कर्म, ब्राह्मण के गुण हो और ब्राह्मण के कर्म हो,
सबको ब्राह्मण बनेगा, जन्म नहीं बनेगा, जन्म भले कहीं कुछ चंडाल के घर में भी जन्म हो लेकिन थोड़ा और कर्म कर ब्राह्मण दे तो ब्राह्मण कहलाएगा। समझ आ रहा है? इस प्रकार वो अंत में पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन जाता है और ये समझ सकता है कि कृष्ण क्या है, वो जान जाएगा कृष्ण क्या है। और जो ये लिए घूमता रहेगा ना कि मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ, ब्राह्मण को नहीं समझ पाए। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन मिलता है, भक्त किस प्रकार अपने हृदय के भीतर श्री कृष्ण के सामने फेस टू फेस देखता रहता है। प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कृष्ण का शुद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर भगवान का अपने हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम आ जाएगा कृष्ण के प्रति, तो श्याम सुंदर भगवान को हम अपने हृदय में हमेशा निरंतर दर्शन करते रहेंगे। यही ब्राह्मण संस्कृति की परिपूर्ण अवस्था है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि फर्स्ट चीज तो ब्राह्मण की है, ये चार चीज। अब तो ब्राह्मण लोग भी तलाक ले रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है ना, तलाक ले लेके डाइवोर्स ले लेके दूसरी शादी करते हैं, पता नहीं कैसे ब्राह्मण का उनका शास्त्र का ज्ञान चला गया। मतलब हमारे जो है सनातन धर्म में तलाक जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप बताओ संस्कृत में सब लोग तलाक, तलाक तो उर्दू का अंग्रेजी का डाइवोर्स है, कोई चीज ही नहीं है कहीं शास्त्र में कोई क्या ऐसे कर दो, लेकिन तो कर रहे हैं हर ना। तो ये बहुत गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। अगर जो है कई बार ऐसे जरूर होता है तो जैसे संतान उत्पत्ति के लिए दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं पहली बार छोड़। अगर उसमें कई लोग राजा और राजा है, उसमें क्षमता रहती के पास पैसा रहता तो वो दो शादी कर सकता है, लेकिन आज कलयुग में वो भी मना है। कलयुग में कोई इतना शुद्ध नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।